हेलो फ्रेंड्स मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब इन्वेस्ट फॉर एवर में स्वागत करता हूं दो वीडियो आ चुकी है जहां पर हमने टू स्टॉक्स से रिलेटेड बातें करी है जहां पर सौ रुपए से नीचे के स्टॉक्स और आने के वाले टाइम में शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म दोनों पेसिस पे यहाँ पर अच्छे खासे रिटर्न मिलते हुए नजर आएंगे एक स्टॉक में ब्रेकआउट भी हुआ है दूसरे में होने वाला है तो दोनों शेयर बेहतरीन है और मार्केट का व्यू उससे रिलेटेड बातें करिए जाके वीडियोस को देख लीजिएगा इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेटे? Granito, से रिलेटेड एशियन इस पर्टिकुलर शेयर पे, पे लिया है 200 पे लिया है 300 पे लिया है नब्बे रुपए पे लिया है सत्तर रुपए पे लिया है और किसी ने बेशक से चालीस रुपए पे लिया है। कितने रुपए पे भी यहाँ पर शेयर को लिया है बट ये शेयर, आ, याद रखिए छह रुपए से टूटा है यहाँ पर आपका शेयर 120 से मैं सोचिए शेयर को सोचिए एक सौ छह रुपए छह रुपए से यह शेयर यहाँ पर टूटता हुआ नजर आया है तो यहाँ पर यह शेयर जिस हिसाब से अब न्यूज आती हुई नजर आई है उस हिसाब से इसके टारगेट कम से कम कितने आठ रुपए के यहाँ पर नजर आते हैं शेयर आठ रुपए तक जा सकता है बट क्या एक साल में जाएगा क्या दो साल में जाएगा क्या दस दिन में जाएगा उस वो एक अलग बात है तो कब तक यह जाएगा नो बड़ी कैंप प्रेडिक नो बड़ी कैंस से ओके कि ये कब तक जाएगा बट हाँ ये शेयर आठ सौ रुपए तक जाएगा क्यों जाएगा उससे रिलेटेड हम यहाँ पर बातें करेंगे बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे चैनल इन्वेस्ट बेलाइकन को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को हिट कर लीजिए लाइक के बटन को दबा दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरीके की वीडियोस डेली बेसिस पर मिलती रहे तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हम बात कर रहे हैं एशियन गणिटो देखिए एशियन गणिटों में अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इन्वेस्ट किया सबसे पहले काफी लोगों ने यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे कमेंट भी आए थे काफी जब लास्ट वीडियो बनाई थी उस उस पर यहाँ पर कमेंट आए थे कि किसी ने आ, 14 फोर्टीन ,00 लाख रुपीज तक यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिए तो अगर किसी ने फोर्टीन लाख ,00 रुपीज या फोर्टीन लाख इन्वेस्ट कर दिए तो वो एक फुलिशनेस वाली बात हो जाएगी बट वो सबकी अपनी अपनी होती हो गया थाउजेंड तो कि रुपीज भी इन्वेस्ट किया है बट उसने सत्तर uh, रुपए पे शेयर खरीदा तो फोर्टी पे आ गया तो उसे भी इफेक्ट पड़ रहा हो तो वो एक अलग अलग नेचर होता है हर चीज का तो वो हमें समझना होगा मैंने भी यहाँ पर इन्वेस्ट किया है मैंने इन्वेस्ट कब कब किया है मैंने पर 180 पे वीडियो बनाई थी तब भी मैंने इन्वेस्ट किया था 180 190 के आसपास इसके बाद यहाँ पर याँ पर राइट इशू आया जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर देखिए दो में राइट इशू आता हुआ दिखाई दिया था तब उस राइट इशू में मैंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था तो उस जब हमने पार्टिसिपेट किया तब एक प्राइस आता हुआ दिखाई दिया था तब भी हम एग्जिट करते तो हम नो लॉस नो प्रॉफिट पे होते आज की बात करें अगेन इसमें राइट इशू आता हुआ दिखाई दिया ओके और राइट इशू और कम प्राइस पे आता हुआ दिखाई दिया और अभी का अगर हम ओवरऑल प्राइस की बात करें तो मेरा ये शेयर पर्टिकुलर फिफ्टी फाइव तक डाउन है अभी भी ओके नाइनटी नाइन्टी रुपीज के आसपास का यहाँ पर एवरेज प्राइस आ रहा है और यहाँ पर अगर बात करें ये गिरावट होती हुई नजर आ रही है थर्टी नाइन रुपीज तक ये शेयर यहाँ पर जाता हुआ नजर आ रहा है तो काफी लोग यहाँ पर घबरा रहे हैं कि हम यहाँ पर बेचते शेयर को या हमें एग्जैक्टली क्या करना चाहिए देखिए अगर एक सौ अस्सी पे किसी

यही होता है कि यहाँ पर आपको खेलना आना चाहिए आपको प्ले करना आना चाहिए यहाँ पर ये नहीं होता कि किस्मत हर किसी की अः विजय केडिया जैसी हो या Uh, हम बात करें राकेश झुंझुनवाला या जैसी हो किसी किसी की कि किस्मत अच्छी होती है किसी किसी की कि बेकार भी होती है बट हमें अपने रिस्क रिवॉर्ड जो होता है ना उसे मैच करना पड़ता है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर चलना पड़ता है तो अगर हम यहाँ पर देखें एशियन गेनेट ऑलरेडी तो यहाँ पर शेयर फोर्टी रुपीज पे आ गया है अभी बेचने का कोई मतलब नहीं बनता इन शॉर्ट अगर मैं बात बताऊं अभी बेचने का कोई भी मतलब नहीं बनता अभी क्या कर सकते हैं अभी केवल वेट एंड वॉच कर सकते हैं और मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये शेयर इससे पहले भी पर देखेंगे इससे पहले भी ये ये शेयर शेयर लगभग के के आसपास 2007 में चलता था उसके बाद बाद अगर हम देखें एक कंस गिरा गिरने के बाद ये तक आया वन वाला और कंसोलिडेशन पे गया कितना लग बग, लग बग ये आ, साल तक, तीन, चार से सात साल तक फेज में गया और उसके बाद जब इसने रिटर्न दिए okay तो 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 चार साल के अंदर अंदर बल्कि इसने दो बीस हजार दो हजार तिरानवे परसेंट तक के यहाँ पर रिटर्न दे दिए तो ये चीज हमें यहाँ पर समझनी पड़ेगी और इस चीज को हमें यहाँ पर सीखना पड़ेगा कि मार्केट में नथिंग इज इम्पॉसिबल ओके okay, तो इस चीज को भी आपको यहाँ पर समझना होगा अगर यही शेयर जैसे कि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं आठ सौ रुपए तक ये जा सकता है आठ सौ का मतलब क्या है आठ सौ का मतलब है कि ये शेयर यहाँ तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है अगर ये शेयर आठ सौ रुपए तक यहाँ पर जाता है और अगर हम समझ लेते हैं कि इसने दो साल लिए थे और दो साल की जगह हम सोच लेते हैं तीन साल यहाँ पर लेते हुए ये नजर आ रहा है ओके तीन साल चार साल तक ये टाइम ले लेता है ओके और यहाँ पर रिटर्न देता है तो लगभग कितने परसेंट के दो हजार सतहत्तर परसेंट के इक्कीस सौ परसेंट तक के रिटर्न आपको यहाँ पर मिल सकते हैं तो ये चीजें थोड़ा सा समझने की वाली बात होती है देखने वाली बात होती है और किस बेसिस पे यहाँ पर मैं ये चीजें कह रहा हूँ तो उससे रिलेटेड हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर आ, हम बात करेंगे कुछ पॉइंट्स की सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें तो इनके एक सीएफओ थे उन्होंने यहाँ, यहाँ, तो यहाँ, यहाँ पर ये इफेक्टिवली यहाँ पर काम कर रहे हैं अमरेंद्र कुमार गुप्ता ने यहाँ पर नौ जून को यहाँ पर रिजाइन दिया था और उनकी जगह आया मेहुल शाह हैज बीन अपॉइंटेड एज द सी इसके अलावा हम देखें यहाँ पर इनको बाइस पर बाईस साल का लगभग एक्सपीरियंस है सी है चार्टर्ड अकाउंटेंट है यहाँ पर बात करें सारा का सारा ये वेल्थ मैनेजमेंट फंड मैनेजमेंट बजटिंग ट्रेनिंग ये सब कुछ यही करते हुए अब यहाँ पर नजर आते हुए दिखाई देंगे सबसे पहली बात तो एक पॉजिटिव फैक्टर ये दिखाई दे सकता है कि जो ये काम यहाँ पर अमरिंदर कुमार गुप्ता नहीं कर पाए वो कहीं ना कहीं ये करते हुए दिखाई दे सकते हैं सबसे पहली बात दूसरी बात अगर हम बात करें तो ये एक न्यूज आई है जो की यहाँ पर परसों के दिन में यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है कि एशियन ग्रेनोज Fully on subsidiary चार सौ करोड़ रुपए आया था ये सितंबर के आसपास तब यहाँ पर साढ़े चार सौ करोड़ रुपए यहाँ पर राइट इशू के थ्रू यहाँ पर रेस किए गए थे तो ये रेस किस लिए किए गए थे तो बार बार मैंने बताया था सबसे पहले ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर अम यहाँ पर एक मॉल टाइप में या कह सकते हैं एक शोरूम खोदने ओपन करने वाले हैं एज वेल एज इन्होंने दोबारा राइट इशू लाए राइट right इशू में क्या था इसमें भी इनका एक प्लान था कि इन्हें जैसे कि ये सैरेमिक बिजनेस में यहाँ पर उतरने वाले थे जो कि बहुत पुरानी न्यूज है तो वहां पर इन्होंने यहाँ इन्हों पर एंट्री ले ली है और एंट्री नहीं ले ली है एंट्री के साथ साथ इन्होंने कुछ टाइम पहले यहाँ पर एक प्लांट खरीदा था एक लैंड खरीदी थी लैंड लगभग वन सेवेंटी फाइव फोर करोड़ रुपीज की इन्होंने लैंड खरीदी थी उसपे काम शुरू कर दिया है और यहाँ पर बात कर रहे रथ यात्रा थी एक जुलाई को जगन्नाथ यात, रथ यात्रा ये या आपको पता ही होगा तो एक जुलाई को यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर देखिए फ्यूचर सैरमिक जो कि एशियन गैर का पार्ट है पूरा का पूरा एशियन गैर ने हंड्रेड के शेयर ले रखे है वन ऑफ द लार्जेस्ट लग्जरी सर्फेस एंड बाथरूम सोल्यूशन ब्रांड इन द कंट्री तो यहाँ पर अभी तक ये टाइल्स के बिजनेस में थे बट अभी के बिजनेस में जिसमें लार्जेस्ट लग्जरी सरफेस बाथरूम सोल्यूशन uh, ब्रांड यहाँ पर बनाएंगे जो कि मैं ऑलरेडी इनकी वेबसाइट पे दिखा चुका हूँ एक से एक बेहतरीन लग्जूरियस यहाँ पर आपको uh, पूरा फील आएगा कि आप किसी एक घर में रह रहे हैं ओके लार्ज फॉर्मेट ग्लेस वेरिफाइड टाइल्स प्लांट और मोरबी जो की मोरबी गुजरात में है लैंड एक्विजीशन ऑफ द प्लांट वज कंप्लीटी इन द मंथ ऑफ मे मे में यहाँ पर लैंड को लिया गया था एंड भूमि पूजन ऑफ द प्लांट वज कंप्लीटी

पूरी बैलेंस शीट का यहां पर पूरी, पूरी, पूरी चेंज होती हुई नजर आएगी और ऑन दैट केसेस अगर हम बात करें अच्छा खासा पैसा बनने का अब कोई भी बिजनेसमैन है आपने देखा होगा कोई भी बिजनेसमैन होता है तो किस तरीके से काम करता है बिजनेसमैन काम करता है सिंपली यहाँ पर सबसे पहले आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे जब तक आप यहाँ पर पैसे नहीं खर्च करेंगे आप कुछ ना कुछ काम नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर आ, कुछ एक्विजिशन भी करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर धीरे धीरे काम करेंगे और थोड़ा सा टाइम लेंगे छह महीने एक साल दो साल तीन साल उसके बाद चीजें अच्छी होती नजर आती है Same as it is, अगर यहां पर पैसे लिए गए हैं राइट इशू के थ्रू यहाँ पर काम शुरू हो गया है तो ऑब्वियस सी बात है ये सब कुछ यहाँ पर अच्छा खासा नजर आएगा और जब नजर आएगा तो अच्छा खासा यहाँ पर पैसे बनते हुए नजर आएंगे और जब पैसे बनते हुए नजर आएंगे तो सारी चीजें यहाँ पर चेंज होती हुई नजर आएगी अब यहाँ पर देखिए कुछ और चीजें

इंडस्ट्रीज uh, को या पर्टिकुलर कंपनी को यहाँ पर लेते हुए जाएगी जब ये पर्टिकुलर कंपनी को लेके छह हजार करोड़ पे जाएगी तो अभी कंपनी की वैल्यू कितनी है अभी कंपनी की वैल्यू है केवल पांच सौ दस करोड़ रुपए तो मतलब कितना ट्वेंटी टाइम्स ट्वेंटी टाइम्स यहाँ पर इस पर्टिकुलर कंपनी को लेके जाएगी इस चीज को याद रखिए तो अगर कोई शेयर अः पर अभी क्या चल रहा है चालीस रुपए अगर ये ट्वेंटी टाइम्स ये शेयर यहाँ पर बढ़ जाता है तो लगभग आठ सौ रुपए का शेयर आता है इसी बेसिस पर मैंने यहाँ पर ये स्टडी करके यहाँ पर आपको दिखाई है एज वेल एज एक चीज और दिखाना चाहता हूँ ओके प्रोमोटर्स के पास कितने ट्वेंटी के शेयर है तो यहाँ पर जब ट्वेंटी के शेयर है तो लगभग लगभग कितने परसेंट के शेयर हो गए तो इनका वन थर्ड यहाँ पर कर लीजिए वन थर्ड इनके पास शेयर है ओके okay, और वन थर्ड को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ट्वेंटी टाइम्स है तो लगभग छह करोड़ की जब ये कंपनी हो जाएगी ओके okay, 600 करोड़ की 6000 करोड़ की सॉरी ये कंपनी हो जाएगी तो ऑन दैट केसेस लगभग 1600-1700 सो करोड़ के मालिक होंगे इन्वेस्टर जब 1600-1700 सो करोड़ के ये मालिक होंगे और आप अगर अभी के बेसिस पे शेयर खरीदते हैं तो यहाँ पर आपका शेयर तो यहाँ पर आठ सौ रुपए पे गया ही गया बट अगर किसी ने यहाँ पर भी ले रखा है और एवरेज कर लेता है तो एक प्राइस निकल के आएगा और जब ये शेयर भागता हुआ नजर आएगा तो आपके भी ये शेयर अच्छा खासा सात से आठ टाइम्स यहाँ पर होता हुआ नजर आ सकता है आ, यहाँ पर डेढ़ सौ सौ रुपए वाला स्टॉक आठ सौ जाएगा तो यहाँ पर एट टाइम्स आपका स्टॉक्स हो गया तो इस चीज को आपको समझना होगा तो ये पॉजिटिव न्यूज है इसे नेगेटिव न्यूज मत लीजिए एज वेल एज एक चीज को बताना चाहता हूँ दो में ये शेयर पीक पे था क्यों था क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस में हम जाते हैं तो देखिए कंपनी यहाँ पर 12 परसेंट के मार्जिन से काम कर रही थी अभी कंपनी 2021 में 11 परसेंट के मार्जिन से काम कर रही थी और धीरे धीरे सात से दस दस से ग्यारह यहाँ पर बढ़ रही थी ओके बट पर 8 मार्जिन रह गया क्यों रह गया क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें एक्सपेंसेस कंपनी के लगातार यहां पर बढ़ते हुए नजर आई और अदर कॉस्ट एंड ऑल तो यहाँ पर एक्सपेंसिस ज्यादा हो गए आपको पता ही इन्फ्लेशन बढ़ रहा है ओके तो शायद एक साल और इस पर्टिकुलर कंपनी पे प्रेशर पड़ सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपेंस एक्सपेंसिस और यहाँ पर ऑपरेट

तीस uh, करोड़ रुपए ओके okay, मैं समझ रहा हूँ तीस करोड़ रुपए और ऐड हो जाते हैं तो यहाँ पर यहाँ पर जो प्रॉफिट है ओके okay, यहाँ पर एक्स्ट्रा इनकम थी अभी तो एक्स्ट्रा इनकम को भी हटा लेते हैं तीस करोड़ रुपए भी ऐड हो जाते हैं तो अस्सी करोड़ रुपए यहाँ पर नेट प्रॉफिट आता हुआ दिखाई देगा तो ये सारी की सारी पॉजिटिव पॉइंट है और ये एशियन गैंगटो शेयर धीरे धीरे ऊपर की तरफ भागता हुआ नजर आएगा और देखिए यहाँ पर ये जो शेयर है ये छोटा बेकार शेयर की खासियत क्या होती है वो कभी डिविडेंड नहीं देता बट इस कंपनी की देखेंगे तो दो से ऐसा कोई साल नहीं रहा बेशक से पैसों में दिया है फिफ्टी पैसे, पैसे, पैसे एक रुपए कितना भी डिविडेंड दिया बट कंपनी ने डिविडेंड दिया दिस इज अ पॉजिटिव फैक्टर अब बात कर रहे हैं, पर टारगेट और सबके टेक्निकल से रिलेटेड तो देखिए अभी आपने ले रखा है तो इसे चुपचाप होल्ड करके रखिए एवरेज कर सकते हैं तो यहाँ पर सीधे नीचे जाते हैं तो एवरेज कर लीजिए अगर हम यहाँ पर देखें तो शेयर काफी बेहतरीन यहाँ पर सपोर्ट लेवल पे चल रहा है जब तक इस सपोर्ट को इसने होल्ड कर रखा है तब का अच्छा है ओके और यहाँ पर ये शेयर देखिए बार बार यहाँ पर आके तीन चार बार यहाँ पर सपोर्ट ले चुका है ओके गिरता है तो ये शेयर फिर 20 पच्चीस रुपए तक भी आ सकता है टू तो बी बेड फ्रेंड बट अगर यहाँ से भागना शुरू करता है जो कि मुझे लग रहा है कि यहाँ से इसे भागना चाहिए कुछ ऐसी पॉजिटिविटी दिखाई देती है तो यहाँ पर अगर ये फोर्टी का लेवल निकाल लेता है तो ये शेयर सीधे यहाँ पर जाता हुआ दिखाई देगा एटी ओके और 86 को भी निकाल लेता है फिर यहाँ पर 120 इस तरीके से जैसे अभी ये टूटा था हायर लोअर हाईस बनाता हुआ दिखाई दे रहा था अभी हायर हाईस बनाता हुआ दिखाई दे के ऊपर की तरफ जा सकता है और जिस दिन ये शेयर याद रखिएगा ये वाली जो लाइन है ओके ये लाइन दिखाई दे रही है बड़ी वाली ये लाइन को जिस दिन क्रॉस कर दिया तो समझ लीजिएगा ये 600 सौ और आठ वाला जो लेवल है ना वो भी आता हुआ बहुत जल्दी आपको दिखाई दे सकता है तो सिंपल सी थ्योरी ये है पॉजिटिव टी होती हुई दिखाई दे रही है रेड वगैरह जो होनी थी जस्ट बिकॉज उन्होंने कैश रख रखा था ओके okay, या फिर अपने जो भी मनी लॉन्ड्रिंग टाइप में कर रहे थे वो यहाँ पर गुजर चुकी है वो अगर यहाँ पर कंपनी को काम नहीं करना होता तो बात है वो ना भूमि पूजन करते ना कुछ करते पैसे लेके वो भाग जाते कंपनी ऐसा नहीं कर रही कंपनी को ऑब्वियस सी बात है एक ब्रांड है एक नेम है आपने देखा भी होगा मार्केट में आप जाते हो तो एजीएल टाइल्स यहाँ पर लिखा रहता है बैनर टंगे रहते हैं तो यहाँ पर शेयर को ऊपर जाना है शेयर को नीचे नहीं जाना तो इस

जरूर करिएगा चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके प्यार दीजिए सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस